हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रेप आई एस प्रेप आई एस पे आप सबका स्वागत है तो so, आज मैं आपको डेली गाइडेंस इनिशिएटिव के अंदर फोर्थ जनवरी 2022 का टारगेट देने वाला हूँ एंड वी आर करेंटली इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ठीक है एंड ऑलमोस्ट काफी मेजर पोर्शन हमने इसका कवर कर लिया है देर इज अ दो या तीन दिन का और जो है आपका इसमें कवरेज बच, बचा हुआ है उसके बाद जो है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी खत्म हो जाएगा राइट एंड द नेक्स्ट अपडेट बी टेकिंग अप वुड बी मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा आपका अगला सब्जेक्ट जो हम लेंगे ठीक है सोर्स इसके लिए आप लोग पूछोगे तो देर इज नथिंग बेटर देन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ठीक है इज द मेन सोर्स फॉर इट ठीक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम ठीक है एंड ऑल्सो यहाँ पे ये डेट याद रखिए आपका प्रिलिम्स रहेगा फिफ्थ जून 2022 को ठीक है सो प्लीज डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी ठीक है अब फुल ऑन प्रिपरेशन मोड में आ जाइए ठीक है एंड डू नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ठीक है नाउ इससे पहले मैं आपको न्यू इनिशिएट ये टारगेट्स दूं मैं आपको कुछ न्यू इनिशिएटिव्स बता देता हूं जो हमारे चैनल पे लॉन्च होने वाले हैं जो आपको आपके प्रिपरेशन में बड़े हेल्पफुल रहेंगे एक हम लॉन्च करेंगे फ्री क्रैश कोर्स फॉर फिल्म ट्वेंटी अगला एक जो हो रहेगा एक एक और फ्री क्रैश कोर्स ही रहेगा दैट वुड बी फॉर करंट अफेयर्स राइट अगेन फॉर फिल्म ट्वेंटी

एंड इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पेड इनिशिएटिव्स लाएंगे हम एक है सीरीज का मेंटरशिप प्रोग्राम राइट फॉर फिल्म 2022, एंड वन इज फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी 2023। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इनके डिटेल्स आपको चाहिए सो डोंट वरी बड़ी ही जल्दी इन हर एक कोर्स का एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो आएगा जिसमें उसके फीचर्स बताएंगे कैसे वो आपको एक्जैक्टली exactly बेनिफिट होगा आपको क्या आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो ये बताएंगे और क्या इनरोलमेंट का प्रोसेस रहेगा वो सब आपको बताएंगे नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर टारगेट्स तो देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमारा टारगेट था फिफ्टीन डेज एंड ऑलमोस्ट हमने जो है लास्ट टाइम जो है चैप्टर ट्वेंटी तक कर लिया था ठीक है और सोर्स जो हम कवर कर रहे हैं उसको शंकर आई से ठीक है एंड अगेन दिस वन थिंग मैं आप लोग भी सोचते हो कि मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो इसको बार बार रिपीट करने का पर्पज यही है कि इसका इंपॉर्टेंस एम्फिसाइज करना कि प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस जो हमारे चैनल पे यहां पे है या अगर आपको कहीं और भी देखना हो वहां भी देख सकते हो बट जरूर ये चीज जरूर देखना ठीक है एंड नेक्स्ट जो टारगेट्स आपके जो लोग नए हैं उनको बता दू दो टाइप्स में डिवाइडेड है एसेंशियल एंड डिपेंडिंग ऑन टाइम एसेंशियल मतलब जो बेयर मिनिमम आपको करना है ठीक है इसके नीचे तो इससे कम करोगे तो काम नहीं पड़ेगा और टाइम और टाइम अवेलेबिलिटी का मतलब कि अगर आपने उतने टारगेट्स अचीव कर लिए और उसके बाद भी आपके पास टाइम है आप या एक्स्ट्रा टाइम देना चाहते हो तो पढ़ के इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो कर सकते हो ना फर्स्ट टारगेट आपका एनवायरमेंट है इसमें अब आपको चैप्टर नंबर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी करना है ठीक है एंड अगेन ये जो है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है बट इसको थोड़ा ब्रिफ होके पढ़ना है सेम गोज़ फॉर हियर ठीक है इस चीज के लिए भी सेम है इनफैक्ट कुछ जो इनिशियेटिव है दे में नॉट बी सो रिलेवेंट राइट नाउ ठीक है हो सकता है वो थोड़े पुराने इनिशियेटिव क्योंकि एंड ऐसे इनिशिएटिव पूछे जाते हैं नॉर्मली जो रिसेंट टाइम में तो वो हमारा कहाँ से करता है वो हमारा कवर होता है करंट अफेयर से ठीक है तो थोड़ा अपना जजमेंट यूज करना बेस्ड ऑन दी प्रीवियसियर क्वेश्चन का एनालिसिस जो आपने देखा है एंड एक प्लेलिस्ट भी है एनवायरमेंट को लेकर हमारे चैनल पे नाउ वट यू कूड डू इज आप चाहे तो अपने फ्री टाइम में इस प्ले लिस्ट को देख सकते हो इट विल हेल्प यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट और एक क्विक रिविजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको ठीक है इसके अलावा करंट अफेयर्स में डेली न्यूज एनालिसिस तो आप देखते ही हो हमारे चैनल पे ठीक है और सिलेक्टेड आर्टिकल्स पढ़ने उसके साथ साथ करंट अफेयर्स मैगजीन में नवंबर 2021 की जो मैगजीन है उसमें हमने यहां तक कर लिया था लास्ट टाइम अब आपको ये जो 3.10 है न्यूज इन शॉर्ट्स ठीक है ये वाला पोर्शन करना है छोटी छोटी न्यूज है अगेन रेलिवेंस के हिसाब से पढ़ना कोई न्यूज हो सकता है बहुत ज्यादा हो तो उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा गूगल सर्च भी अपनी कर रहा है कोई न्यूज कम रेलिवेंट हो तो उसमें आप जो जो है कम दिमाग लगाना जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगे वही पढ़ना ठीक है नाउ मूविंग ऑन अब जो रिविजन है तो देखो डरिए मत रिवीजन में सारी बॉडीज एक साथ नहीं करनी वैसे भी ये सारी बॉडीज जो है रिवाइज करने में बहुत ईजी है एक एक पेज के चैप्टर है एक एक दो दो पेज के ठीक है एंड आई एम होपिंग जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा तो की पॉइंट इसके अंडरलाइन क्यों तो आज आपको जो है टोटल जो है आपके अराउंड ट्वेल्व बॉडीज है राइट तो आज आप कर सकते हैं फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर ये दोनों एक साथ हो जाएगी आपकी फोर्टी फाइव एंड फोर्टी सिक्स ठीक है यहां तक आपको करना है आज ठीक है दिस इज वॉट यू हैव टू डू फॉर टूडे रिविजन और क्विकली करना है देखो मेरे हिसाब से तो ये पांच बॉडीज करने में भी आपको अराउंड वन आवर लगना चाहिए ठीक है ये आपका दस पंद्रह मिनट में हो जाएगा ये दोनों आपके मिला के पंद्रह दस पंद्रह मिनट में होंगे और इसको दस पंद्रह मिनट और इसको दस पंद्रह मिनट ठीक है तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए हो सकता है थोड़ा बहुत पांच दस मिनट लग जाए बट दिस इज मोर देनफीक है अब इसके अलावा अगर आपने ये सारे टारगेट बहुत ही कम टाइम में कर लिए और आपके पास टाइम बचा हुआ है तो प्लीज डोंट वेस्ट दिट टाइम उस टाइम को या तो आप लोग मतलब यू नो यू हैव कवर्ड बेयर मिनिमम फॉर प्रेजेंट्स तो आप फिर डेली आंसर राइटिंग पे फोकस कर सकते हो या अपने ऑप्शनल पे फोकस कर सकते हो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ बैकलॉग बच गया होगा ज्योग्राफी में या किसी और चीज में तो आप प्लीज ट्राई टू तो क्लियर योर बैकलॉग इन दी एक्स्ट्रा टाइम ठीक है तो दिस इज इट फॉर टूडेज टारगेट्स एंड प्लीज एट लास्ट डू मैंशन योर प्रोग्रेस जो भी आपका प्रोग्रेस रहता है टारगेट्स में प्लीज आप उसको मैंशन करिए कॉमेंट्स में और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई इशू आ रही है तो उसको भी आप कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हो ठीक है सो दिस इज फॉर टुडे यू अगेन टुमोरो